गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने होली पर्व पर मुख्यमंत्री के शोभा यात्रा को देखते हुए पांडेहाता से बख्शीपुर तक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि होली पर्व को देखते हुए 24 मार्च व 26 मार्च को भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री भाग लेंगे, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री के शोभा यात्रा के मार्ग का निरीक्षण किया गया है। इसमें साफ सफाई की व्यवस्था व लाइटिंग की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी कमी पाई गई है उसको नोट किया गया है। शोभा यात्रा से पहले उन कमियों को दूर कर दिया जाएगा और होली पर्व को सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। ये नरसिंह शोभा यात्रा दिनांक 24 तारीख को और 26 तारीख को जो होली का जो होली धुनणी का कार्यक्रम होता है उसके दृष्टिगत जो शहर में शोभा यात्रा निकाली जाती है, खासतौर पर जहाँ पे जो रूट रहता है परंपरागत जो रूट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें साफ सफाई की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, साथ ही साथ पथ प्रकाश की व्यवस्था के दृष्टिगत नगर निगम के समस्त विभागों के अधिकारियों के द्वारा हमारे द्वारा उसका निरीक्षण किया गया और जो गैप्स हैं जो हमें कार्य करने हैं उन कार्यों के बारे में निर्देशित किया गया। बहुत 99% कार्य वहाँ पे हो रखे हैं पहले से ही, लेकिन कुछ कुछ और कार्य हैं जिसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम निर्देशित किया गया है। सारे नगर निगम की पूरी टीम कल वहाँ उपस्थित थी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के द्वारा मौके पर देखकर जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको पूर्ति करने के लिए उसको कमी 21 तारीख तक का समय दिया गया है, ताकि जो परंपरागत रूट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही साथ जो होलिका पर्व वहाँ मनाया जाता है उसको परंपरागत तरीके से हम मनाएं और नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको चाक चौबंद व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कल निरीक्षण पूरी नगर निगम की टीम के द्वारा किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान परिषद के द्वारा संवाद भवन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने मात्र शक्तियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि आज महिलाएं चांद पर पहुंच गई हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं का विशेष योगदान है। वो प्रशासनिक सेवा में कार्य कर रही हैं, महिला पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। वो देश की सेवा में सेना ज्वाइन करके योगदान दे रही हैं। आज के चीफ स्पीकर प्रोफेसर सुधा यादव मैम, फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एंड आप पहली फाउंडर सेक्रेटरी भी रही हैं गोवा की, दैट इज गोरखपुर यूनिवर्सिटी विमेंस वेलफेयर एसोसिएशन। प्रोफेसर दिव्या सिंह जी, जैसा कि आप जानते हैं, शी इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ विमेन स्टडीज सेंटर। रिस्पेक्टेड टीचर्स, मेरे यहाँ पे आई एन सी प्रोफेसर विदेश जी जो क्रीड़ा परिषद के प्रेसिडेंट है, प्रोफेसर प्रत्युष जी, प्रोफेसर कमलेश जी, डॉक्टर मिश्रा जी, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर अपरा जी, डॉक्टर ममता जी, प्रोफेसर धनंजय जी, डॉक्टर प्रतिमा, डॉक्टर सिंधू एंड और भी बहुत सारे और भी जो टीचर्स यहाँ बीच में हैं, वेरी एंड ऑफ कोर्स माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं आपको सबको वार्म विशेस देती हूँ। और खास इसलिए क्योंकि आज हम महिला दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये गोष्ठी आयोजित की गई है, जैसा कि आपको बताया सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान परिषद द्वारा, और उनको मैं इस संस्था को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर ये गोष्ठी आयोजित किया है आज, जो शैक्षिक परिसरों में जेंडर संवेदनशीलता। तो मैं वैसे आप आज हमारे स्पीकर को सुनेंगी इस इशू पर थोड़ी शब्दों में मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में या कहीं भी किसी भी संस्था में, सोशल इंस्टीट्यूशंस में, हम एक दूसरे को जब भी परसीव करते हैं समाज में, जेंडर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेंस होता है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं या परसीव करते हैं। तो जेंडर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेंस है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को समझते हैं और जानना चाहते हैं। और जैसे कि शुरू में प्रभुनाथ जी ने भी बताया कि जेंडर अब हम सिर्फ उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं सिर्फ बाइनरी मेल एंड फीमेल सेक्स के लिए, लेकिन अब हम थर्ड जेंडर की भी बात करते हैं और नॉन बाइनरी जेंडर की बात करते हैं, जिसमें कि हम ट्रांस वूमन, ट्रांस मैन और जिनकी सेक्शुअल ओरिएंटेशन अलग है उन सभी को शामिल करते हैं।
तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी में आए हैं, एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आए हैं, एक ऐसे स्पेस में आए हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्पेस है जो आपके एजुकेशन के माध्यम से आपने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है, आपके माइंडसेट में एक बदलाव ला सकता है। वो इसलिए क्योंकि देखिए हम सभी की सोशलाइजेशन कहीं ना कहीं अलग तरीके से हुई है। जो हम जेंडर सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप हो सकता है आप ऐसे बैकग्राउंड से आए हो जहाँ पे आपको कुछ सेट ऑफ वैल्यूज से बड़ा किया गया हो, आपको समझाया गया हो कि आप लड़की है तो आपको ऐसे ऐसे रहना करना है, या आप लड़के हो तो आपको ऐसा ऐसा होना चाहिए। सो ये जो सोशलाइजेशन है, हो सकता है कुछ ये यहाँ जैसे ब्रॉड माइंडेड रहे होंगे, आपको वो परिवेश मिला होगा जिससे आपको अपनी पूरी पोटेंशियल को बाहर लाने की अपॉर्चुनिटी या मौका मिला होगा। लेकिन ऐसे बहुत लोग भी होंगे जिनके यहाँ जिनके घरों में या जिस जहाँ जिस जगह से आते हैं, हो सकता है वहाँ ऐसे परिवेश आपको ना मिला हो जहाँ पे आपको जेंडर को लेकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन या आपकी पोटेंशियल क्या क्या हो सकती है, आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हो सकता है आप में आपके पास उतनी इंफॉर्मेशन ना हो या आप उतनी अवेयर नहीं। तो मुझे मानना है, मेरा मानना है कि ये एजुकेशनल स्पेस या हायर एजुकेशन का जो स्पेस होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत नए विचारों से अवगत होते हैं, न्यू आइडिया से आपका परिचय होता है, आप कई तरीके के लोगों से मिलते हैं और कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज की जो हराइजन है वो एक्सपैंड होती है, बढ़ती है, आपको बहुत चीजों के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है और आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो उद्देश्य ये होता है हमारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कि हम कैसे अपने एजुकेशनल एटमोसफियर को या जगह को जेंडर इंक्लूसिव बनाए, जेंडर डाइवर्सिटी को बढ़ावा दें, जेंडर डाइवर्स लोगों के में बातचीत करें जिससे कि हम उनको अकोमोडेट कर सके, उनके प्रति हमारा व्यवहार या रिस्पेक्टफुल। तो ये सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। आप सब जाने कि जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, जेंडर इक्विटी क्या होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की हम क्या बात करते हैं, ओके? तो क्योंकि जेंडर इक्वालिटी जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेसिकली सबको, हमारा सबका मानना है जो भी तैयारियों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि होली व ईद को संपन्न कराने के लिए जिला स्तरीय पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें जिले के सभी थानों से नागरिकों का आगमन हुआ था। इसमें सभी संभ्रांत व्यक्तियों को ईद व होली को सकुशल संपन्न कराने के लिए सहयोग मांगा गया है। इसके साथ ही सभी विभागों को दिशा निर्देश दिया गया है कि त्योहारों पर जो भी अरेंजमेंट होते हैं आए हैं वो सभी चीजें समय से उपलब्ध हो जिससे त्योहार सकुशल संपन्न हो सके। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे, एसपी सिटी ट्रैफिक संजय कुमार, एडीएम सिटी सदर मृणाली अविनाश जोशी, सीओ कैंट अंशिका वर्मा, सीएमओ डॉ आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो जो भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे तो पूर्व में परमिशन के साथ ही आप लोग करेंगे, और उसमें अगर नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है तो उसमें एडमिट आप दे देंगे कि ये कार्यक्रम जो है नॉन पॉलिटिकल है, उसमें किसी भी पार्टी की झंडा पोस्टर बैनर लोगों इस तरीके के सवाल नहीं होगा। उसके बाद में वहाँ पे हम लोग के पास ऐसी निगरानी टीम नहीं निर्धारित की जाएगी, पर अगर कहीं हमारे पास शिकायत आती है और साथ शिकायत आती है तो फिर आयोजक जो है लगा होंगे, तो इस विषय जरूर ध्यान लेंगे कि परंपरागत चीजें भी जो चलेंगी उस विषय आप पूर्व में ही अनुमति प्राप्त कर लेंगे, अनुमति हमारे यहाँ से मिलेगी तो उस पर किसी प्रकार की समाज व्यक्ति से हमारा बस यही आशा है कि जो त्यौहार हम लोग मेल मिलाप के साथ करते चले आए हैं, इंसिडेंट फ्री त्यौहार रहे हैं पास में, उसी तरीके से आगे भी बिना किसी इंसिडेंट के हमारे ये त्यौहार हो जाए, अभी दोनों समुदाय एक दूसरे के सहयोग करते रहे और जो हमारा होली और जो हमारी ईद का त्यौहार है वो सब सुंदरता से संपन्न है, क्योंकि मैं वो देखकर मीटिंग की समाप्ति की घोषणा महोदय जो तीन होली मिलन के कार्यक्रम है वो भी आचार संहिता के बारे में आएंगे क्या? परमिशन लेना होगा, परमिशन लेना होगा उसमें अगर आप
संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने कहा, आज होली और ईद के मद्देनजर जिला स्त्री पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के सभी थानों से समाज व्यक्तियों का आगमन भी हुआ था। सभी संबंधित विभाग के भी लोग भी आए हुए थे। उसमें सभी सम्रांत व्यक्तियों को जो हमारे आगामी त्यौहार ईद और होली है उनको सत्संग संपन्न कराने के लिए उनसे अपेक्षित सहयोग मांगा गया है और सभी विभागों को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि जो पूर्व की भांति हमारे अरेंजमेंट्स होते आए हैं त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए, तो वो सभी तरीके से तैयारियां पूर्ण रहे। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के आईटी सेल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के सभी राजनीतिक दलों के आईटी सेल के प्रतिनिधियों को आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर प्रशिक्षण दिया गया है। यदि कोई भी राजनीतिक दल कोई कार्यक्रम करता है तो उन्हें अनुमति लेकर ही कार्यक्रम करना है। यदि उनको आने में दिक्कत है तो वो ऑनलाइन सुविधा ऐप के माध्यम से अप्लाई करके परमिशन ले सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग से जो भी गाइडलाइन जारी हो रही है वो सभी बातें राजनीतिक दलों को बताया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा के आईटी सेल प्रभारी जितेंद्र वर्मा पल्लू सहित अन्य राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, आज सभी राजनीतिक दलों के जो भी आईटी सेल हैं उनको इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया कि आगामी चुनाव के दृष्टिगत जो उनको किसी भी कार्यक्रम की अनुमति लेनी है या उनका नामांकन होना है और उनके द्वारा कहीं पे कोई आचार संहिता के उल्लंघन की कोई बात संज्ञान में आती है तो उसको जहाँ भी है उसी जगह से ऑनलाइन किस प्रकार से सीवीजी लैब पर और सुविधा ऐप पर परमिशन के लिए और सभी कामों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। उसी के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है और हमारा प्रयास है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी हो रही है सभी राजनीतिक दलों को पारदर्शी तरीके से उसके बारे में जानकारी दी जाए। सीडीओ संजय कुमार मीना ने मतदाता जागरूकता रैली को विकास भवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीना ने बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। हमारे यहाँ जो खजनी विधानसभा है वो संत कबीर नगर लोकसभा में आता है, जिसका मतदान 25 मई को होगा। इसके अलावा गोरखपुर सदर व बांसगांव के लिए मतदान 1 जून को होगा, जिसको देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई है, जिससे लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निश्चित कर सके। उन्होंने बताया कि जितने भी मतदाता हैं जो कि अभी छूट गया है वो नॉमिनेशन के लिए 1 दिन पहले तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं, इसलिए सभी मतदाता जरूर अपने बीएलओ से मिलकर नाम जुड़वा लें। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा, देखिए जैसा सभी को पता है कि लोकसभा 2024 का IMCC जारी हो चुकी है, चुनाव की उद्घोषणा हो चुकी है और हमारे यहाँ जो खजनी विधानसभा है वो संत कबीर नगर लोकसभा में लगती है तो उसका मतदान 25 मई को होगा और बाकी जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं उन सब का मतदान 1 जून को होना है, तो उसी के क्रम में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ताकि वो लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, तो उसी के क्रम में आज ये रैली यहाँ से निकाली गई। सर, वोटरों को ऐड करने के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, जो जितने भी मतदाता यदि अभी भी छूट गए हैं तो जो कंसर्न हमारा नॉमिनेशन का डे होता है, नॉमिनेशन फाइल करने से 1 दिन पहले तक वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं, तो मेरी सभी उन मतदाताओं से अपील होगी यदि उनका नाम किसी भी कारणवश छूट गया है तो वो अपना नाम जुड़वाने के लिए अपने कंसर्न ERO से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।